हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो एबे आमे देखिबा कोलोइडल सॉल्यूशन रो प्रॉपर्टीज कोन कोन अछि। तो आमे पूर्व वीडियो रे कोन देखिदिले केमिदि आमे कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करबा, कोलोइडल सॉल्यूशन को केमिदि प्यूरीफाई करि परबा। तो एबे आमे देखिबा कोलोइडल सॉल्यूशन जो पढिले तार प्रॉपर्टीज गुडा कोन। तो आमे जानि जति कोन कोलोइडल सॉल्यूशन रे तमरो कोन अछि, कोलोइडल पार्टिकल्स अछि। क्लियर? तो से कहूजी कोलोइडल पार्टिकल्स तमरो पोजेस थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट वन इज योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बा एटा को से कहू जे टिंडल इफेक्ट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तुम देखियो कोन टिंडल इफेक्ट, टी वाई एन डी ए डबल एल, टिंडल इफेक्ट। तापर सेकंड प्रॉपर्टी इज योर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बाडा कोन कोन काइनेटिक प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और काइनेटिक प्रॉपर्टी। तो एइटा तमे देखियो ब्राउनियर मूवमेंट, देखियो एई केस रे तमे देखियो कोन ब्राउनियर मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। तापर थर्ड वन इज योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो एइटे तमे देखियो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एटे देखियो कोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो तमरो ए तीनटा को प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट, टिंडल इफेक्ट इंपोर्टेंट, ब्राउनियन मूवमेंट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपोर्टेंट। तो तुम काउंसिल एग्जाम एगुड़ा तुम तीन मार्क क्वेश्चन आसो बा लॉन्ग क्वेश्चन में मिसिक आसपार। दुटा ब्राउनियर मूवमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस दुटा मिसिक देव सात मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। तो तुम शॉर्ट नोट दे ब्राउनियर मूवमेंट विषय लिखापी। तो या पूर्व वर्ष काउंसिल एग्जाम टिंडल इफेक्ट आसाला। क्लियर? ताबली भावनी यही थर काउंसिल एग्जाम टिंडल इफेक्ट पड़ोनी, तुम दि मार्के क्वेश्चन में भी टिंडल इफेक्ट पकईपे। क्लियर? तो तुम ये तीन टाक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट। तो आम फास्ट देखा व्हाट इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड टिंडल इफेक्ट कौन। क्लियर? तो हेडिंग दियो टिंडल इफेक्ट। फास्ट हेडिंग दियो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और टिंडल इफेक्ट। तो फर्स्ट गोटे एग्जांपल नहीं बुझ, तापर तार स्टेटमेंट देखियो कौन टिंडल इफेक्ट, कौन टिंडल इफेक्ट रो कौन पाई होजी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्लियर? तो मु कौन कली गोटे ग्लास नेली, गोटे ग्लास नेली। तो ग्लास रे कौन नेली वाटर नहीं, गोटे ग्लास नहीं, ग्लास रे तमर कौन नहीं वाटर नहीं। तो ये मुझे कौन कली सॉल्ट ऐड कली, कौन ऐड कली ग्लास रे सॉल्ट ऐड कली। तो बर्तमान आटा कौन हो सॉल्ट सॉल्यूशन, ए ग्लास भितर तुम कौन अच्छी सॉल्ट सॉल्यूशन। इट इज वन टाइप ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। आम पढ़ी कौन सॉल्ट सॉल्यूशन टा गोटे प्रकार कौन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये जो पार्टिकल गुड़ाक अच्छा यमर सैजटा कौन स्मल बाईटे तुम कौन क्रिस्टलॉइड पार्टिकल प्रेजेंट अच्छा। ये जो ट्रू सॉल्यूशन रे क्रिस्टलॉइड पार्टिकल प्रेजेंट अच्छे, जो पार्टिकल मानक साइज छोट ये ट्रू सॉल्यूशन रे प्रेजेंट अच्छे। तो आ गोटे ग्लास नेली, आ गोटे ग्लास नेली, से ग्लास रे भी कौन वाटर फिलअप कली, से ग्लास रे भी तुम कौन वाटर फिलअप कली। तो ये मुझे कौन आड कली स्टार्च आड कली, स्टार्च। तो फर्स्ट ग्लास रे तुम्हारा वाटर थिला, सेकंड ग्लास रे भी वाटर अच्छी। फर्स्ट ग्लास रे सॉल्ट ऐड कली, सेकंड ग्लास रे स्टार्च बा अटा किमा मैदा एटे पकेली। तो बर्तमान कौन है स्टार्च सॉल्यूशन, कौन है स्टार्च सॉल्यूशन। तो स्टार्च सॉल्यूशन इज वन टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, एटा कौन कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन तुम कौन अच्छी कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट अच्छी। क्लियर? तो आम जानते कोलोइडल पार्टिकल साइज़ डा, तो तुम
क्रिस्टलॉइड पार्टिकल साइज ठार बड़ दैट मीन्स तुम क्रिस्टल ए टू सल्यूसन क्रिस्टलॉइड पार्टिकल प्रेजेंट अच्छी तुम कोलोइडल सल्यूसन कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट अच्छी तो कोलोइडल पार्टिकल साइजा तुम कौन क्रिस्टलॉइड पार्टिकल साइज ठार बड़ ए दुटा जिनस जान लापर मुझे कौन कली टॉर्च लाइट पास करवा ए दुटा को ग्लास को रखिकी मुझे कौन करी टॉर्च लाइट पास करी तो फास्ट देखा ट्रु सल्यूसन टॉर्च लाइट पास कराव ट्रु सल्यूसन तुम कौन टॉर्च लाइट पास कर ट्रु सल्यूसन टॉर्च लाइट पास कर तो टॉर्च लाइट पास कला मैंने तो तुम यही भितर ये कौन करी टॉर्च लाइट पास करी मुझे कौन करी ग्लास ऊपर देखी तो ऊपर देखी कौन ये तुम लाइट पाथ देखा ना ट्रु सल्यूसन लाइट पाथ लाइट पाथ मीन लाइट को वे दे जाऊँगी जना पड़े ट्रु सल्यूसन किंतु कौन करी जो आउ गोटे टॉर्च नहीं तुम कोलोइडल सल्यूसन पास करी तो यही केस तुम कौन लाइट पाथ देखा यह लाइट पाथ देखा कोलोइडल सल्यूसन क्लियर तो ट्रु सल्यूसन लाइट पाथ देखा ना कि कोलोइडल सल्यूसन जो टॉर्च लाइट पास कर लाइट पाथ लाइट को भाया जाऊँगी को भाया वे रे जाऊँगी क्लियर तो लाइट पाथ देखा तो सी कहला कौन पर ट्रु सल्यूसन लाइट पाथ देखा जा कोलोइडल सल्यूसन लाइट पाथ देखा जाऊँ क्लियर तो यही केस देख ट्रु सल्यूसन पार्टिकल गुड़ाकर साइज कौन छोट तो एबे कौन टॉर्च लाइट पास कले तो तुम ये लाइटा तुम कौन यही पार्टिकल सहित कोलाइड हो पारना तो कोलाइड हम मैंने कौन लाइट स्कैटर हेनी कि केस तुम टॉर्च लाइट पास कले कोलोइडल पार्टिकल साइजा बड़ तो तुम टॉर्च लाइट तुम लाइटा कौन कर या सहित कोलाइड हम बाड़े हम ए कोलोइडल पार्टिकल सहित तो बाड़े हेले कौन लाइटा स्कैटर कर तो लाइटा स्कैटर कर मैंने कौन लाइट पाथ तुमको कोलोइडल सल्यूसन देखा क्लियर तो तुम कोलोइडल सल्यूसन लाइट पाथ देखा कि ट्रु सल्यूसन लाइट पाथ देखा जाऊनि कौन पर कोलोइडल सल्यूसन लाइट पाथ देखा जेहे तुम कौन कोलोइडल पार्टिकल साइजा तुम कौन क्रिस्टलॉइड पार्टिकल साइज ठार बड़ क्लियर तो यहीटा तुम आसा कौन टिंडल इफेक्ट तो तुम साइंटिस्ट कौन टिंडल यही एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन टा देखी तो ये जो इफेक्टा है ये जो इफेक्टा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स ये जो लाइटा जो स्कैटर हो स्कैटर कोलोइडल पार्टिकल्स लाइटा स्कैटर हो तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट क्लियर आउ कौन गोटे लिखे ये कौन लाइट पाथ तुम विजिबल हो कोलोइडल सल्यूसन लाइट पाथ विजिबल हो ट्रु सल्यूसन लाइट कौन पाथ विजिबल होनी साइज छोट मैंने कौन ये कोलाइड हेनी कोलाइड हेले भी तुम स्कैटर करनी क्लियर साइज छोट मैंने कौन लाइट स्कैटर हेनी साइज बड़ तो स्कैटर हे जिते कोलोइडल पार्टिकल्स आम जानते कौन कोलोइडल पार्टिकल साइज रेंज कौन वन नैनोमीटर टू टेन टू दि पावर टू नैनोमीटर वन नैनोमीटर टू टेन टू दि पावर टू नैनोमीटर तो से कह जो कोलोइडल पार्टिकल साइजा सब गुट छोट तो ताकि स्कैटरिंग कम हम जो कोलोइडल पार्टिकल साइजा मन अच्छे टेन टू दि पावर टू नैनोमीटर तो तार पार्टिकल साइजा बड़ तो यही केस तुम स्कैटरिंग अधिका हम पार्टिकल साइजा बड़ हम मैंने स्कैटरिंग अधिका हम क्लियर तो लेख टिंडल इफेक्टर डेफिनेशन लेख कौन टिंडल इफेक्ट तो लेख द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स as a result the path of light becomes visible is called as tyndall effect ता तले लिखो this effect was observed by tyndall तो ताको ना अनुसार ये इफेक्ट है कौन टिंडल इफेक्ट क्लियर तो एबे आम जान ले कौन तो तुम कोलोइडल पार्टिकल सहित लाइटा कोलाइड है तो तुम लाइटा स्कैटर हो तो से आम कोलोइडल सल्यूसन लाइट पाथटा देखा जाऊँगी तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो हूँ तो तुम तीन टा फैक्टर उपर डिपेंड कर scattering of light depends on फास्ट वन लेख स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट
फास्ट में लिख स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्मॉलर द वेवलेंथ ऑफ लाइट मोर इज द स्कैटरिंग, मोर इज द स्कैटरिंग। तो यही वेवलेंथ ऊपर डिपेंड कर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो से कहला जदि तुम जो लाइट वेवलेंथ टा स्मॉल थी बुझिपाल, जो लाइट वेवलेंथ टा कौन स्मॉलर द वेवलेंथ मोर इज द स्कैटरिंग मन रहा। तो से कहते जो लाइट वेवलेंथ टा कम थी से ही केस अधिका स्कैटरिंग देखा जीव। क्लियर? तो तुम जान कौन ब्लू लाइट वेवलेंथ टा कम, तो ब्लू लाइट मन कर गोटे सल्यूशन अच्छी तो सही ब्लू लाइट पास करी तो सही केस अधिका स्कैटरिंग हम। रेड लाइट मारे स्कैटरिंग तुम कम देखा जेहतु रेड लाइट तुम कौन वेवलेंथ अधिका, तो जो लाइट वेवलेंथ कम से ही केस तुम स्कैटरिंग अधिका देखा। क्लियर? तो या तो लिख ब्लू लाइट, या तो लिख ब्लू लाइट, ब्लू लाइट इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड, इफ 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 ब्लू लाइट इज यूज्ड स्कैटरिंग इज मोर, स्कैटरिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर, स्कैटरिंग इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मोर। क्लियर? तो यहाँ गला तुम कौन फास्ट फैक्टर वेवलेंथ, जो लाइट वेवलेंथ कम अच्छी से ही केस अधिका स्कैटरिंग देखादेव। तो ब्लू लाइट वेवलेंथ कम तो जो सल्यूशन कलोडल सल्यूशन ब्लू लाइट पास कली तो से ही केस तुम अधिका स्कैटरिंग देखाद, तो तुम पाथटा भलसे देखा ब्लू लाइट पास कले। क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड फैक्टर इज जो तुम पार्टिकल सैजटा, जदि तुम पार्टिकल सैजटा बड़ अच्छी, जदि तुम कलोडल पार्टिकल सैजटा बड़ अच्छी स्कैटरिंग अधिका हम। मन कर कलोडल पार्टिकल्स गोटे कलोडल सल्यूशन जो कलोडल पार्टिकल अच्छी, तो फॉर एग्जांपल ए कलोडल पार्टिकल साइज तुम वन नैनोमीटर, आ गोटे कलोडल पार्टिकल, आ गोटे कलोडल सल्यूशन जो कलोडल पार्टिकल अच्छी तार साइजटा मन कर 10^2 नैनोमीटर। तो यही कलोडल पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर, यही कलोडल पार्टिकल साइज 10^2 नैनोमीटर, दैट मीन्स यही कलोडल पार्टिकल साइजटा बड़। क्लियर? तो यही कलोडल पार्टिकल सैजटा बड़ मैंने एवं मुझे लाइट पास कले केस जो पार्टिकल सैजटा बड़ यही केस लाइटा अधिका स्कैटर कर, जो पार्टिकल सैजटा छोट ये तुम कौन लाइट पास कले तुम स्कैटरिंग कम देखा। तो यही केस पार्टिकल बड़ मैंने कौन अधिका स्कैटर कर, लाइटा या सहित कोलाइड होगा तो अधिका स्कैटर कर। क्लियर? तो पार्टिकल सैज बड़ द तुम स्कैटरिंग अधिका हम। लेख सेकेंड पॉइंट, लार्जर द सैज अफ, लार्जर द साइज ऑफ कोलोडल पार्टिकल्स, लार्जर द साइज ऑफ कोलोडल पार्टिकल्स लार्जर द साइज ऑफ कोलोडल पार्टिकल्स मोर इज द स्कैटरिंग, लार्जर द साइज ऑफ द कोलोडल पार्टिकल्स मोर इज द स्कैटरिंग। मोर इज द स्कैटरिंग सेकेंड पॉइंट गला। तो आमर लियोफिलिक कोलोडल सल्यूशन स्कैटरिंग अधिका हम ना लियोफोबिक कोलोडल सल्यूशन स्कैटरिंग अधिका हम? तो आम जानते लियोफिलिक कोलोडल सल्यूशन पार्टिकल सैज कौन छोट, कितु लियोफोबिक कोलोडल सल्यूशन पार्टिकल सैजटा बड़। तो पार्टिकल सैजटा बड़ कौ केस रही लियोफोबिक केस, तो लियोफोबिक कोलोडल सल्यूशन जो गुड़ा तुम मेटाल सल गोल्ड सल यही केस जो लाइट पास करी तुम स्कैटरिंग अधिका हम, कितु स्टार सल्यूशन तुम स्कैटरिंग कम हम, किंतु कौन गोल्ड सल सिल्वर सल यही केस लाइट पास कले स्कैटरिंग अधिका हम। तो लियोफोबिक कोलोडल सल्यूशन कौन स्कैटरिंग अधिका हम। तो तले लिख एग्जांपल, एग्जांपल या तले लिख लियोफोबिक सल, लियोफोबिक लियोफोबिक सल, लियोफोबिक सल शोज मोर स्कैटरिंग, शोज मोर स्कैटरिंग, shows more scattering। क्लियर? तापर देख आ गोटे पॉइंट थर्ड पॉइंट, ए दुटा फैक्टर जाणीला तापर तुम लास्ट लास्ट फैक्टर आसला से कह तुम डिस्पर्सड फेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ डिस्पर्सन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफरेन्सटा जदि अधिक आसला मैंने तुम स्कैटरिंग अधिक हम। क्लियर? से कहला डिस्पर्सड फेज, तो डिस्पर्सड फेज
रिफ्रैक्टिव दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम तो यहाँ जो डिफरेन्सटा जदि तुम अधिक आसला यहाँ डिफरेन्सटा जदि तुम अधिक आसला तेल एक केस तुम कौन स्कैटरिंग अधिका हम तो मोर इज द स्कैटरिंग मोर इज द स्कैटरिंग क्लियर तो तुम यही तीन टा फैक्टर उपर तुम कौन स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड कर तो फास्ट है कौन जदि तुम जो लाइट वेवलेंथ टा कम अच्छी से केस अधिका स्कैटरिंग देखादेव क्लियर जोड़ा कि तुम कौन ब्लू लाइट वेवलेंथ टा कौन छोट तो से केस तुम कौन स्कैटरिंग अधिका देखा रेड लाइट वेवलेंथ अधिका तो रेड लाइट केस स्कैटरिंग कम देखा सेकेंड पॉइंट लार्जर द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स मोर इज द स्कैटरिंग तो से कोई जदि कोलोइडल पार्टिकल रो साइज डा बड़ अछि ताले स्कैटरिंग अधिका हबो तो लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन शोज मोर स्कैटरिंग तो तुम लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन रे पार्टिकल रो साइज डा बड़ देन दैट ऑफ योर लियोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन तो जेहेतु लियोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन रे पार्टिकल रो साइज डा बड़ तो ई केस रे स्कैटरिंग अधिका देखा दिबो तापर लास्ट पॉइंट जदि तुम डिस्पर्स फेज डिस्पर्स फेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउ डिस्पर्सन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफरेन्सटा जदि तुम अधिक आसला मैंने कौन स्कैटरिंग अधिका हम क्लियर तो टिंडल इफेक्ट आसला तुम कौन फास्ट लिखो टिंडल इफेक्ट डेफिनेशन तापर रीजन कौन पे टिंडल इफेक्ट देखा तापर ए तीन टा फैक्टर लिखो तापर देखो तापर नेक्स्ट पॉइंट तो आम टिंडल इफेक्ट कौन पे यूज करवा जो टिंडल इफेक्टा आम कौन पे यूज होस टिंडल इफेक्ट यूज करवा तो फॉर एग्जांपल मो पाखे गोटे ट्रू सॉल्यूशन अच्छी आ गए कोलोइडल सॉल्यूशन अच्छी तो मुझे केमी जानवि गोटे मो पाखे गोटे ट्रू सॉल्यूशन अच्छी ट्रू सॉल्यूशन आ गए अच्छी तुम कौन कोलोइडल सॉल्यूशन तो मुझे केमी जानवि कौटा ट्रू सॉल्यूशन कौटा कोलोइडल सॉल्यूशन तुम जदि ये तुम कौन यही लाइट पास कल तो जब ट्रू सॉल्यूशन तुम कौन देखा लाइट पाथ देखा कि तुम कोलोइडल सॉल्यूशन लाइट पास करी लाइट पाथ देखा तो आम कौन एम डिस्टिंग्विश कर पार ट्रू सॉल्यूशन आउ कोलोइडल सॉल्यूशन भितर डिस्टिंग्विश कर पार क्लियर तो यहाँ कौन टिंडल इफेक्ट यूज करी आम कोलोइडल सॉल्यूशन आउ ट्रू सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर पार तो लिख टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड to distinguish between true solution and colloidal solution tab next point likho true solution do not shows tyndall effect shows tyndall effect eta short question bi asibo को सल्यूशन टा टिंडल इफेक्ट शो करो सल्यूशन टा टिंडल इफेक्ट शो करनी तो तुम ट्रू सल्यूशन टा कौन टिंडल इफेक्ट शो करनी कोलोइडल सॉल्यूशन ना टिंडल इफेक्ट शो कर क्लियर तापर देखो लास्ट लिखियो एग्जांपल्स लास्ट लिखियो कौन एग्जांपल्स को क्षेत्र रे हमरो टिंडल इफेक्ट यूज हो जे को फील्ड रे हमरो टिंडल इफेक्ट यूज हो जे क्लियर फॉर एग्जांपल गोटे अंधार घर अच्छे एटा गोटे कौन अंधार घर अच्छे क्लियर तो ये घर कौन छोट कणाट अच्छे घर में कौन छोट कणाट अच्छे तो ये तुम कौन सनलाइट पास हो क्लियर एटु सनलाइट आस तो ए कोणा दे कौन सनलाइटा जीव ए कोणा दे कौन सनलाइटा जीव तो ये जो आम जानती कौन ए रूम रे कौन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट अच्छी क्लियर तो ये डस्ट पार्टिकल सहित ये जो लाइटा पास कर स्कैटर कर ए रूम रे अच्छी कौन डस्ट पार्टिकल गुड़ा अच्छा चारिड़े तो ये जो कोणा देक आसो लाइटा तुम कौन डस्ट पार्टिकल सहित कोलाइड हे तो कोलाइड है मैंने कौन तुम लाइटा स्कैटर हे तो से देखी थोड़ा जिते गोटे कणा दे कौन लाइट आसो सहीटे कौन डस्ट पार्टिकल गुड़ाक भाषु डस्ट पार्टिकल गुड़ाक डिस्पर्स होते क्लीअर आ गोटे एक्जामपल तुम आस तुम कौन घंच जंगल तुम कौन मानने कौन गच्छ गुड़ा कौन चारिड़ू घेरी थोड़ा तो से केस कौन जिते खरा पड़े से केस खरा पड़
तो चारिआड़ू कौन गछ गुड़ा खेले तो जो खराटा पड़ो गोटे स्पेस आसो गोटे स्पेस आसे तो से स्पेस तुम कौन डस्ट पार्टिकल गुड़ाक भी देखा क्लीअर तो जिते तुम क्लोज थी जिते रूमटा क्लोज थी तुम कौन जंगल कौन जिते घंच थी से गैस्रे लाइट आसला तो तुम ये मन कर गछ गुड़ा अच्छी गछ फिलअप अच्छी क्लीअर तो यही गैस्रे मन कर जिते सनलाइट पड़ो क्लीअर तो सनलाइट पड़गले तुम कौन ये तुम कौन लाइट्र पाथ्रे देखा क्लीअर तो लाइट्र पाथ्रा कौन पर देखा तुम डस्ट पार्टिकल सहित लाइटा कोलाइट है कौन स्कैटर हो तो देखा जापर देख तुम स्काई इज ब्लू ड्यू टू टिंडल इफेक्ट तो तुम आकाशटा कौन नील देखा कौन पर ड्यू टू टिंडल इफेक्ट क्लीअर तो आम कौन आम आटमोस्फियर एयर कौन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट अच्छी डिफरेन्ट गैस मलिकुल प्रेजेंट अच्छी क्लीअर तो जो आम सनलाइट टू जो लाइट आसुच्छी तो तुम सनलाइट कौन भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन रेड सब लाइट आसुच्छी तो सब लाइट जो एक बेल आस व्हाइट कलर देखा किंतु जो लाइट आसटे कौन भायोलेट इंडिगो ब्लू रेड ग्रीन कलर लाइट प्रेजेंट अच्छी तो कौन पर अलग कलर देखागलानी स्काएटा कौन पर ब्लू कलर देखागला तो आम जानते ब्लू लाइट रो कौन वेव लेंथ सब कम तो ब्लू लाइट रेहेतु वेव लेंथ कम तो ब्लू लाइट जो डस्ट पार्टिकल सहित कोलाइड हो तो तुम कौन स्काटरी अधिका हो तो से तुमको देखा आकाशटा कौन स्काएटा ब्लू कलर तो तुम कह कौन भायोलेट भायोलेट र वेव लेंथ समस्त कम तापर आस ब्लू तो भायोलेट रण वेव लेंथ सब कम तापर ब्लू आसूसी तो तुम कह कई ब्लू कलर देखागला कौन पर भायोलेट कलर देखागलानी यार तो यार ब्लू ठार यार वेव लेंथ आहरी कम तो यही देखा जाऊनि तो तुम जो आटमोस्फियर को जो ब्लू लाइट आसूसी तो तुम कौन ब्लू लाइट अधिक आसूसी आटमोस्फियर को आम ब्लू कलर लाइट अधिक आसूसी कि भायोलेट कलर टा से आसूनि आउ गोटे कौन तुम आई को कौन आखि को तुम कौन ब्लू कलर लाइट अधिका भिजिबल हो क्लीअर तो से कौन स्काय इज ब्लू तो तुम डस्ट पार्टिकल तुम गैसियस मॉलिक्यूल सहित लाइटा कोलाइड है कौन ब्लू लाइटा कोलाइड हो तो ब्लू लाइटा कोलाइड है कौन स्कैटर करुच्च तो से तुम कौन आकाशटा ब्लू देखा क्लीअर तो दिस इज ऑल अबाउट योर टिंडल इफेक्ट तो टिंडल इफेक्ट फास्ट लिख डेफिनेशन तापर लिख रीजन कौन पर टिंडल इफेक्ट हो तापर तुम एग्जांपल भी नहीं पार ट्रू सल्यूसन टिंडल इफेक्ट शो करनी कोलोइडल सल्यूसन टिंडल इफेक्ट शो करापर तीन टा फैक्टर जो कहली तापर एग्जांपल नबो क्लियर एग्जांपल तापर कोलोइडल सल्यूसन टिंडल इफेक्ट शो कर ट्रू सल्यूसन टिंडल इफेक्ट शो करनी क्लियर तो तुम यहाँ इंपोर्टेंट काउंसिल एग्जाम टिंडल इफेक्टा इंपोर्टेंट तो ये लिख तीन मार्क पाइब बेले बेले चार मार्क क्वेश्चन पकईदेव लंग क्वेश्चन मिसेक क्लियर।